अध्याय तीन शब्द और वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पढ़िए और समझिए। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है, जैसे हा प्लस थी हाथी, क प्लस मा प्लस ला कमल, मा प्लस छ प्लस ली मछली। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और जिन शब्दों का अर्थ आपको समझ आ रहा है उनके आगे सही का चिन्ह लगाइए। लड़की, अखबार, कीलड़, खारबा। ऊपर दिए गए शब्दों में लड़की, अखबार शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, इसलिए ये सही शब्द है। परंतु कीलड़, खारबा शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूर्णतः अर्थहीन है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। वाक्य, जिस प्रकार वर्णों के उचित मेल से शब्द का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों को उचित रूप से मिलाने से वाक्य का निर्माण होता है। अर्थ वाले शब्दों को जब हम उचित क्रम में जोड़कर प्रकट करते हैं तो वह वाक्य का रूप ले लेता है। जैसे गलत वाक्य, रही है नाच नर्तकी, सही वाक्य, नर्तकी नाच रही है, रहा है हंस जोकर, जोकर हंस रहा है, खाकर गया मजा आ खाना, खाना खाकर मजा आ गया। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। आइए पुनरावृत्ति करें। एक, वर्णों का ऐसा मूल जो उचित अर्थ प्रदान करता है शब्द कहलाता है। दो, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका बच्चों को शब्दों और वाक्यों के बारे में बताएं तथा शब्दों को जोड़कर वाक्य निर्माण की प्रक्रिया का अभ्यास कराएं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, शब्दों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ख, वाक्यों का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर, वाक्यों का प्रयोग लिखित एवं मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। एक, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों की सहायता से हम बहुत सारे डैश बना सकते हैं। उत्तर, शब्द। परंतु डैश शब्द वही होते हैं, उत्तर, उचित, जिनका कोई डैश होता है। उत्तर, अर्थ। जैसे डैश के मेल से शब्द बनते हैं, उत्तर, वर्णों। उसी तरह शब्दों के उचित मेल से डैश बनते हैं, उत्तर, वाक्य। दो, चित्रों को देखकर शब्दों की पहचान कीजिए और उनके वर्णों को सही क्रम में लगाइए। का, उत्तर, ला प्लस ला प्लस ते प्लस ना। खा, उत्तर, का प्लस रे प्लस ला। गा, उत्तर, का प्लस बू प्लस ता प्लस रा। तीन, शब्दों को उचित क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। का, तोता है बैठा पेड़ पर आम के। वाक्य, आम के पेड़ पर तोता बैठा है। ख, खिल रहे हैं पुष्प में उपवन। वाक्य, उपवन में पुष्प खिल रहे हैं। ग, राष्ट्रीय है पक्षी मोर हमारा। वाक्य, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। चार, रेलवे स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी रेलवे स्टेशन के रूप में करते हैं। इसी तरह से अंग्रेजी के कुछ और शब्द हैं जिसका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में किया जाता है। ऐसे चार शब्दों को सोचकर लिखिए। उत्तर, एक, डॉक्टर, दो, रेडियो, तीन, केक, चार, पुलिस। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। पांच, चित्रों को देखकर वाक्य बनाइए। उत्तर, स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य,
उचित स्थान पर उचित शब्दों का प्रयोग करने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और सफलता मिलती है। इसलिए कम बोलिए और अच्छा बोलिए।